बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेस थ्री पॉइंट पर। मैं सोनू, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम बताने वाले हैं आप सभी को BA, BSc, BCom की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप सभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कॉपी जो है वो आपका मार्गदर्शन करती है एग्जामिनर के सामने। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो कॉपी राइटिंग पर ध्यान देना है। अगर आपकी कॉपी अच्छी रहेगी तो आपको मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। दोस्तों, अगर आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ उन ट्रिक को फॉलो कर ले जाते हैं तो ये मानकर चलिए आपके एग्ज़ाम में 100% आपको मार्क्स मिलेगा, आपका 100% रिजल्ट आएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, पहला पॉइंट जो आपका है वो क्या है, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना। बहुत बच्चे करते क्या हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम में जाएंगे उनको प्रश्न पत्र मिलेगा, वो डायरेक्ट प्रश्न को हल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट का समय देना है अपने प्रश्न पत्र को पढ़ने में। आपको निर्देश पढ़ने में निर्देश दिया रहता है कि कितने शब्दों में लिखना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग लिखना है और कितने प्रश्न आपको हल करने हैं। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कॉपी की लाइनिंग से लेकर। कॉपी की लाइनिंग, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि जैसे कॉपी है इधर से लाइनिंग खींचेंगे और इधर से इतना लाइनिंग खींच देंगे, बीच में केवल थोड़ा सा स्पेस रहेगा और उसी में अपना आंसर लिख देंगे। जैसे ही आप ये काम करेंगे तुरंत एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आप केवल और केवल कॉपी भरने के पर्पज़ से ही क्लास में आए हुए हैं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी कॉपी को, केवल एक तरफ आप लाइनिंग खींचेंगे और इसने में आपको आंसर लिखना है। तीसरी बात, कॉपी का जो पहला पेज होता है, कुल मिलाकर के 32 पेज होते हैं आपकी कॉपी में, और जो पहला पेज होता है उसको आपको छोड़ देना है। यानी फर्स्ट पे आप फ्रंट पेज पे तो आप लिखेंगे रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर और अपने रोल नंबर के बारे में, एग्ज़ाम सेंटर क्या है, एग्ज़ाम सेंटर कोड क्या है, पेपर कोड क्या है, ये आप फिल करेंगे। दूसरा जो आपका पार्ट है उसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे, उसको आप जिस प्रकार से है वैसे ही आप छोड़ देंगे, ठीक है, सादा छोड़ देंगे। दूसरे पेज से आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला ध्यान देना है स्वच्छता का। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो स्वच्छता का ध्यान आपको रखना है। आपकी कॉपी जितनी ही स्वच्छ साफ सुथरी रहेगी उतना ही एग्जामिनर उस पर अट्रैक्ट होगा और उतना ही अच्छे से आपकी कॉपी चेक करेगा। आपको इसमें काट पीट नहीं करनी है, घोचा घोची नहीं करनी है। जैसे कि ये आप मान लीजिए ध्यान दिया, ये ध्यान लिखा हुआ है, अब ये आपको पता चला कि ये गलत है, अब आप तुरंत इसको क्या किए इसे घोच डालें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। केवल आप सिंपल सा क्या करिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। ऐसे आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे और क्रॉस कर करके इसको यहीं पर छोड़ देंगे। या आप दूसरा काम कर सकते हैं, इसको आप रेक्टेंगल के अंदर कर दीजिए और इसको स्टार बनाकर छोड़ दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये गलत है, ये वाक्य गलत किया गया, इसलिए काटने साफ सुथरा लिखने के लिए स्टूडेंट ने ऐसा कार्य किया है। तो उसको पता चल जाएगा कि आपके पास एक्वायर नॉलेज है, तो आपको नंबर आपका नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है स्वच्छता का, स्वच्छता का विशेषकर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला बात है चौथा जो आपका मुख्य बात होता है वो है अंडरलाइन करें। मुख्य बातों को क्या करें, अंडरलाइन। जैसे कि आप लिख रहे हैं, प्रश्न दिया गया है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, अब कार्बोहाइड्रेट में गए, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आपने लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट का क्या लिख दिया दोस्तों, फार्मूला। अब फार्मूला लिख रहे हैं तो इसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो जैसे ही अंडरलाइन करेंगे तो जैसे एग्जामिनर आपको इस प्रश्न को चेक करेगा तो सबसे पहले उसका जो दिमाग होगा इसका निगाह कहाँ जाएगा, आपके अंडरलाइन की तरफ जाएगा। और अंडरलाइन जो वाक आपने किया वो अगर सही लिखा है तो वो तुरंत क्या करेगा, आपको कंप्लीट नंबर दे करके आगे दूसरे प्रश्न में बढ़ जाएगा। तो ये आपका अंडरलाइन जो है ये आपको दिखाता है कि एग्जामिनर को ये साबित करता है कि आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मुख्य बातों को आप अंडरलाइन करेंगे। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, परिचय और भूमिका लिखने का।
ये बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग आंसर में आपको इंट्रोडक्शन, परिचय और भूमिका, ठीक है, चाहे इंट्रोडक्शन लिखें या परिचय लिखें या भूमिका लिखें, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये नोट करना है, लिखना है इसको। आप नोट करने के बाद में इसको लिखने के, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए अमीनो एसिड के बारे में, व्हाट इज अमीनो एसिड, गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर यूजेस, तो सबसे पहले आप अमीनो एसिड का लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन अमीनो एसिड का, फिर डेफिनेशन, फिर प्रॉपर्टीज़, फिर उसके यूज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। अगला बात आपको ध्यान रखना है शब्दों के बीच में गैप, छठवां जो बात है वो शब्दों के बीच में गैप, शब्दों के बीच में उचित गैप होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है, इतना गैप आप रखेंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक शब्द लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन में, कुल मिलाकर के एक लाइन में तीन ही शब्द लिखेंगे, ये गलत तरीका है, उचित गैप आपके शब्दों के बीच में होने चाहिए। चलिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों ध्यान देंगे, सातवां पॉइंट है आंसर राइटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, आपका आंसर राइटिंग जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए। ये किस प्रकार से होगा, आपका प्रश्न पत्र तीन भाग में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो इसमें सेक्शन ए में जो प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट आते हैं और इसमें आते हैं शॉर्ट, और सी में आते हैं लॉन्ग आंसर, इनकी अलग अलग अपनी शब्दावली है, यानी कि कोई 50 शब्द में लिखना है, किसी का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है और किसी का आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनका आपको 50 शब्द में आंसर लिखना है, और कंप्लीट आप 50 लिखिए, 50 से आप ज़्यादा लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि नंबर कटेगा, आप ज़्यादा लिख सकते, कम नहीं लिख सकते, प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का, ठीक है। चलिए अगला बात है आठवां जो पॉइंट है, आठवां पॉइंट ये है दोस्तों कि बार बार एक ही शब्द ना लिखें, आप प्रयास करिए कि कॉपी में एक आंसर, जैसे आप लिख रहे हैं एक आंसर, तो उस आंसर में जैसे कि आपने पहली लाइन लिख दिया कि बार बार एक ही शब्द ना लिखें, अब आप प्रयास करें दूसरी बार फिर ये ना लिखें कि बार बार शब्द ध्यान दें, दूसरी बार लिखें टाइम का ध्यान रखें, आंसर कितने पेज में लिखें, इस प्रकार से लिखना है आपको, एक ही शब्द बार बार दोहराना नहीं है, ठीक है। अगला ध्यान रखना है आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाएंगे, देखिए कुछ लोग होते हैं कि उनको जैसे 20 प्रश्न दिया गया है, अब 20 प्रश्न में उनको 7 ही प्रश्न आते हैं, लेकिन वो 7 प्रश्न पहले नहीं लिखते हैं, वो अपने ऐसे बेंच पर हाथ रखेंगे, गाल पर हाथ रखेंगे और सोचने लगेंगे कि कहीं से दिमाग में आ जाए और प्रश्न कैसे लिखें, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही गलत तरीका है। आप सबसे पहले काम करें जो आपको आता है, उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करें, ठीक है। और सबसे पहले देखिए कॉपी में एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, कॉपी में उन प्रश्नों को सबसे पहले आप लिखेंगे जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते हों, जिनका नॉलेज एकदम एग्जैक्ट आपको पता हो, उन्हीं प्रश्नों को लिखेंगे, चाहे वो सेक्शन सी से हों, चाहे बी से हों, चाहे सेक्शन ए से हों, ये बात आप ध्यान रखेंगे क्लियरिटी के साथ। अगर जैसे ही ये इसलिए रखना है, अगर आप 5 प्रश्न बहुत ही अच्छे से जानते थे और स्टार्टिंग में 5 प्रश्नों को आपने लिखा, तो एग्जामिनर जैसे इन 5 प्रश्नों को चेक करेगा और जैसे देखेगा कि क्या क्या बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा है, आंसर बहुत सही है, तो आगे के प्रश्न अगर आप गलत भी लिख रहे हैं, आप कुछ में भूल भी जा रहे हैं, तब भी एग्जामिनर आपको ध्यान ना देते हुए एग्जाम में नंबर आपको प्रश्न पत्र में दे देगा, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला बात है आंसर कितने पेज में लिखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप सबको पता है कि आपका प्रश्न पत्र है तीन भाग में बटा, दूसरा और तीसरा, ए के जो सेक्शन ए में होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इनका आंसर आप कोशिश करिए कि दो प्रश्न का उत्तर एक पेज में दें, दो प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर जो 50 शब्द में लिखनी है उसका कम से कम एक पेज में दो क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। जो आपका दूसरा पॉइंट है शॉर्ट आंसर में, तो शॉर्ट आंसर में जो आपको 200 शब्दों में लिखना है उसका आंसर एक पेज में या डेढ़ पेज में लिखें, एक से डेढ़ पेज में आप इसका आंसर लिखें। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन का आंसर लगभग आप 3 से 4 पेज में लिखें तो ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग लिखनी है पॉइंट बाई पॉइंट। जैसे कि एक प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा गया है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल के बनाने की विधियां तथा गुणों को लिखिए।
अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लिखेंगे आंसर नंबर वन और इसके बाद में हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन, एमिनो अम्ल का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिख देंगे। दूसरा बात आप लिखेंगे, दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे वो डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन। अब तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे अल्फ़ा एमिनो बनाने की विधियाँ, और जो चौथा आपका पॉइंट रहेगा वो गुण। और प्रॉपर्टीज में गुण दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं दोस्तों और एक रासायनिक गुण होते हैं, तो दोनों को अलग अलग आपको लिखना है। और छठवां जो पॉइंट हो जाएगा वो इनके यूज़ के बारे में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप प्रयास करिए कि आपका जो प्रश्न पत्र हो दोस्तों, जो आप आंसर राइटिंग करें उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। ज़्यादातर प्रयास करिए कि पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंटिंग बाय पॉइंटिंग लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। अब आंसर राइटिंग लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आए और कंप्लीट पेपर आप हल करके आए, तो आप बार बार लिखने का प्रैक्टिस करिए। बार बार लिखने से आपके वो क्वेश्चन भी लर्न हो जाएंगे जो आपको नहीं पता है। दूसरी बात, जैसे कि दोस्तों एक मैच जब होता है तो खिलाड़ी बहुत निपुण होता है, लेकिन वो भी बार बार प्रैक्टिस करके ही जाते हैं मैच खेलने। तो इसी प्रकार अगर आपको पास होना है तो आप बार बार लिखने का प्रयास करिए। जितना ही ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही सटीक ढंग से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अब कुछ दोस्तों के मन में एक प्रश्न है कि सर कम समय में कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए कि कम समय में हम परीक्षा को क्रैक कर जाएं। उसके लिए एक ही तरीका है दोस्तों, आप के पास अगर अनसाल पेपर है तो कम से कम 5 वर्ष के अनसाल पेपर को ले लीजिए और उनमें से उन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए तो आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा? मॉडल पेपर मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, आप जाएंगे सर्च करेंगे तमाम सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। और अब आपका सिलेबस जब NEP के तहत आपका सिलेबस लागू हुआ है वो सभी यूनिवर्सिटी में सेम हो गया है, तो अब आपको दिक्कत नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी का है या नहीं। आप सभी के यूनिवर्सिटी में सिलेबस एक ही है अगर NEP वहाँ पर फॉलो हो चुकी है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर NEP के तहत आपका सिलेबस है तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, सभी का सिलेबस एक है, सभी में इसी तरह से आने हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, अगर आप BSc से रिलेटेड हैं तो BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पर संचालित होती है, जहाँ बिल्कुल मुफ्त में आप लोग को क्लास दी जाती है, PDF दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट नोट्स दिया जाता है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।